नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 27 अप्रैल, दिन गुरुवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। पटना हाई कोर्ट से इस मामले में असुद्दीन ओवैसी को मिली राहत। लालू यादव से मिलने दिल्ली पहुंचे अखिलेश यादव। मनीष सिसोदिया की बढ़ी न्यायिक हिरासत। आनंद मोहन मामले को लेकर बिहार सरकार पर भड़की बीजेपी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने दिया गुरु मंत्र। अब चलिए बढ़ते हैं प्रदेश और देश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को लेकर कह दी ये बात। महागठबंधन सरकार पर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने जमकर हमला बोला है। दरअसल उन्होंने कहा है कि यदि मुझे पावर मिल जाएगा तो आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित होगी। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू यादव आज सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन बावजूद इसके बिना किसी संघर्ष के उनकी विरासत तेजस्वी यादव को मिल गई है। एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा कि राजा के घर राजा ही जन्म लेता था, लेकिन आज जिसे जनता चाहेगी वही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनेगा। पटना हाईकोर्ट से इस मामले में असुद्दीन ओवैसी को मिली राहत। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सांसद असुद्दीन ओवैसी को राहत देते हुए निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर पटना हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश भी राज्य सरकार को दिया गया है। मालूम हो कि निचली अदालत के कार्यवाही पर जस्टिस राजीव रॉय ने सांसद ओवैसी के तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद रोक लगाई है। वकील राजकुमार द्वारा कोर्ट को बताया गया कि उड़नदस्ता दंडाधिकारी ने 22 अक्टूबर 2015 को पूर्णिया के बायसी थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आरोप लगाया कि बगैर पूर्व अनुमति के ओवैसी लाउडस्पीकर से भीड़ जमा कर पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में भाषण कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जिस धारा में केस दर्ज हुई है और निचली अदालत ने जिस धारा में संज्ञान लिया है वह कानूनी रूप से सही नहीं है, इसलिए निचली अदालत के कार्यवाही पर कोर्ट ने उनके दलील को फिलहाल मंजूर करते हुए रोक लगा दिया। अमृता फडणवीस के पत्नी को राज ठाकरे ने ऐसे दिया जवाब। बीते बुधवार को लोकमत अवार्ड कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने एक एंकर के तौर पर राज ठाकरे का साक्षात्कार किया। साक्षात्कार के दौरान अपने तीखे सवालों के साथ उन्होंने पूछा कि अगर शिवसेना का नेतृत्व राज ठाकरे के हाथों होती तो इतनी दुर्दशा होती। राज ठाकरे ने इसका जवाब में कहा कि मैं पुरानी बातें भूल चुका हूं। साथ ही राज ठाकरे ने अमृता फडणवीस के सवाल को हाइपोथेटिकल बताते हुए कहा कि मैं इसका क्या जवाब दूं, अब मेरी खुद की पार्टी है और उसी को लेकर आगे बढ़ रहा हूं। वहीं इंटरव्यू के दौरान जब अमृता ने सवाल किया कि आप कभी एनसीपी के करीब जाते हैं, कभी शिवसेना के तो कभी बीजेपी के, हम साथ साथ हैं, ये कब होगा, इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आप देवेंद्र जी की पत्नी के तौर पर इंटरव्यू नहीं ले रहे, इसलिए कहता हूं कि आजकल उपमुख्यमंत्री किसके साथ है यही समझ नहीं आता, कभी शिंदे के साथ तो कभी अजित पवार के साथ। लालू यादव से मिलने दिल्ली पहुंचे अखिलेश यादव। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मिलने गुरुवार को दिल्ली पहुंचे। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विपक्षी एकजुटता को लेकर हुई मुलाकात के तुरंत बाद ही यह मुलाकात हुई है। 20 मिनट तक चलने वाली यह मुलाकात मीसा भारती के आवास पर हुई है। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात के कई सियासी मायने भी लगाए जाने शुरू हो चुके हैं। मालूम हो कि नीतीश कुमार विपक्ष के नेताओं से बीजेपी के खिलाफ एकजुटता को लेकर बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी नीतीश और तेजस्वी ने मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद नीतीश उत्तर प्रदेश के तरफ अखिलेश यादव से मुलाकात के लिए रवाना हो गए। पीएम मोदी को मन की बात कहने का समय है, लेकिन जन की बात सुनने का नहीं है समय। महिला पहलवानों के धरने को लेकर भाजपा पर हमला बोलते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा दावा किया है। दरअसल मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जब अपने भाषण में एक लड़की के बयान का उल्लेख करते हैं तो उनसे इसकी जानकारी लेने के लिए दिल्ली पुलिस के आयुक्त उनके घर चले जाते हैं, लेकिन महिला पहलवानों द्वारा भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाए जाने के बावजूद उन पर आज तक प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं हुई, इसलिए क्योंकि वह भाजपा के नेता है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास मन की बात कहने का समय है, लेकिन जन की बात सुनने के लिए समय नहीं है। तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद के अदालत में याचिका हुई दायर। गुजरातियों को लेकर विवादित कमेंट के बाद बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव के खिलाफ इस मामले को लेकर अहमदाबाद के एक अदालत में याचिका दायर हुई है। इस याचिका पर 1 मई को सुनवाई होने की खबर सामने आई है। तेजस्वी यादव पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने गुजरातियों को ठग और धूर्त कहा है। गुजरातियों पर इस तरह के बयान को लेकर सख्त कार्रवाई करने की मांग याचिका में की गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि तेजस्वी यादव ने जानबूझकर ऐसा कमेंट किया है ताकि गुजरात के लोगों को मानसिक पीड़ा पहुंचे। मालूम हो कि यह मामला तब सामने आया जब गुजरात की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर 2 साल की सजा सुनाई थी। कांग्रेस कमेटी ने बीजेपी सरकार के वादों को लेकर कसा तंज।
निकाय चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा भी अपना घोषणा पत्र जारी किया गया है। इस 18 सूत्रीय घोषणा पत्र में वादा करते हुए कहा गया है कि मुफ्त में चिकित्सा व्यवस्था, मुफ्त पानी निःशक्त और गरीबों को इंदिरा कैंटीन में मुफ्त में खाना, ठेले रेहड़ी वाले को मुफ्त में बाजार की जगह, धार्मिक उत्सवों व आयोजनों पर सभी धर्मस्थलों की साफ सफाई, लाइटिंग, साथ ही ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशनों की मुफ्त में उपलब्धता करवाई जाएगी। वहीं बीजेपी की सरकार पर हमला करते हुए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जो सरकार कहती है वो करती नहीं है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, लखनऊ कानपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन यह बीजेपी का एक जुमला था। प्रदेश में ना सफाई है, ना ही स्वास्थ्य और शिक्षा, हर जगह कूड़ा और गंदगी है, सड़कें टूटी हुई है। आनंद मोहन मामले को लेकर बिहार सरकार पर भड़की बीजेपी। पूर्व सांसद आनंद मोहन आज जेल से रिहा हो चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी के द्वारा इस मामले को लेकर बिहार सरकार पर हमला बोला गया है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के द्वारा बिहार सरकार को घेरते हुए कहा गया कि आनंद मोहन तो सिर्फ बलि का बकरा है, इनका मकसद तो गुंडाराज का माहौल बनाने वाले 27 लोगों को रिहा करना था, ताकि बिहार में जंगलराज से गुंडाराज लाने का काम किया जा सके। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार गैर संवैधानिक काम कर रही है, जिसे बिहार की जनता देख रही है। अपराधियों को पकड़ना और छोड़ना तो न्यायालय का काम होता है। उन्होंने कहा कि अगर आनंद मोहन की रिहाई होनी थी तो नियम कानून से होनी चाहिए थी। आनंद मोहन की रिहाई की आड़ में बिहार में जंगलराज की वापसी हो रही है। हेमंत बिस्वा ने राहुल गांधी को दी चुनौती। एनसीपी चीफ शरद पवार ने खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अदानी हिंडनबर्ग मामले में ट्वीट करने की चुनौती असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा द्वारा दी गई है। बता दें कि हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान शरद पवार की अदानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अदानी से हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए हेमंत बिस्वा सरमा द्वारा यह मांग की गई है। मालूम हो कि बीते कुछ समय पहले हेमंत बिस्वा सरमा, गुलाम नबी आजाद जैसे कुछ पूर्व नेताओं का नाम राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में अदानी से जोड़ा था। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा था कि ये सच छुपाते हैं, इसलिए रोजाना लोगों को गुमराह करते हैं। अपने सरकार को लेकर नरेंद्र मोदी ने कही ये बात। भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की कार्यवाही से कुछ लोग नाराज है, ये बात खुद नरेंद्र मोदी द्वारा कही गई है। दरअसल उन्होंने कहा है कि वह भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के खिलाफ इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे, भले ही उनके विरोधी उनके खिलाफ कितना भी बड़ा गठबंधन बना ले। एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि शोर मचाने वाले लोग पिछले 9 सालों में उनकी सरकार की बनाई गई ईमानदार व्यवस्था को नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन वे अपनी साजिशों में सफल नहीं होंगे, क्योंकि उनकी लड़ाई उनसे नहीं आम लोगों से है। पीएम मोदी के इस टिप्पणी पर जयराम रमेश ने दी प्रतिक्रिया। कांग्रेस का मतलब झूठी गारंटी वाला टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। अब इस टिप्पणी को लेकर कांग्रेस मीडिया सेल के प्रभारी जयराम रमेश द्वारा प्रतिक्रिया दिया गया है। प्रतिक्रिया देते हुए ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि अमित शाह और योगी के बाद अब मोदी की बारी है कि निराशा और हताशा के कारण अपमानजनक टिप्पणी करे। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 मई को कर्नाटक के लोग भाजपा के 40% कमीशन सरकार को समाप्त करने की गारंटी देंगे। कुछ दिनों बाद कांग्रेस की गारंटी लागू की जाएगी, जैसे हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में करते हैं। मालूम हो कि कर्नाटक भाजपा के कार्यकर्ताओं को आज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्चुअली संबोधित किया गया था, जहां उन्होंने इस तरह की टिप्पणी दी थी। दरअसल उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मतलब झूठी गारंटी, कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी। साथ ही उन्होंने कहा था कि कांग्रेस उस राज्य में है जहां वे कोई गारंटी नहीं दे सकते और उनकी वारंटी भी खत्म हो गई है। कांग्रेस नेता पीएम मोदी के इस चुटकुले पर हुए हमलावर। एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी द्वारा एक चुटकुला सुनाया गया था, जहां उन्होंने कहा था कि एक बार अंग्रेजी के प्रोफेसर की बेटी ने आत्महत्या कर ली थी। जब उनके पिता को सुसाइड नोट की पर्ची मिली तो उसे पढ़कर वे नाराज हो गए। दरअसल उस नोट में स्पेलिंग गलती थी। अब प्रधानमंत्री के इस चुटकुले को लेकर कांग्रेस हमलावर हो चुकी है। दरअसल इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि हजारों परिवार आत्महत्या के कारण अपने बच्चों को खोते हैं, प्रधानमंत्री को उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी ने इस मामले को लेकर कहा है कि अवसाद और आत्महत्या कोई हंसी का विषय नहीं है, यह एक त्रासदी है, कोई मजाक नहीं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने दिया गुरु मंत्र। सभी राजनीतिक पार्टी कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई है। अब इसी दौरान बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठक कर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा को जीत दिलाने के लिए एक गुरु मंत्र दिया है। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता ही भाजपा को जीत दिलाने में अहम योगदान निभाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें कर्नाटक के लोगों के बीच जाकर हर छोटी बात समझानी चाहिए। कार्यकर्ताओं को लंबे भाषण की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी सरकार के कार्य गिनाने हैं और लोगों को बताना है कि राज्य में भाजपा सरकार आने से कैसे विकास में तेजी आई है। मनीष सिसोदिया की बढ़ी न्यायिक हिरासत। सीबीआई से जुड़े केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में 12 मई तक बढ़ा दी है। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सीबीआई वाले मामले में न्यायिक हिरासत के समाप्ति पर पेश किया गया था, जहां सिसोदिया के वकील द्वारा सुनवाई के दौरान कहा गया कि मामले की जांच पूरी हुई है कि नहीं। सीबीआई ने सिसोदिया को षड्यंत्रकारी बताया है, जिसे लेकर सीबीआई से कोर्ट ने पूछा कि क्या जांच पूरी हुई है या नहीं। इस पर सीबीआई ने कहा कि पूरी हो गई है। महाराष्ट्र उद्योग मंत्री उदय सामंत ने विधायकों को लेकर किया दावा।
मंत्री उदय सामंत ने खुलासा किया है कि ठाकरे गुट में बचे सभी 13 विधायक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संपर्क में है। दरअसल इस बात की जानकारी हमें एबीपी माझा में छपी खबर से हुई है। उदय सामंत द्वारा यह भी दावा किया गया है कि एनसीपी के 20 विधायक और कांग्रेस नेता शिंदे गुट के संपर्क में है। वैसे भी इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति का सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। ऐसे में उदय सामंत के इस बयान से राजनीति में और भी तूफान मच सकता है। वहीं संजय राउत की बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे दुनिया के सबसे बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति हैं, इसलिए मैंने अब उनके बारे में बात करना छोड़ दिया है। उनके सामने प्रतियोगी के रूप में मैं संसार में एक भी विद्वान नहीं बचा है। दुनिया के विद्वानों से ज्यादा कॉमन सेंस राउत के पास है, उनके बारे में क्या कहना। साथ ही उदय सामंत ने संजय राउत की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें सरकारी कागजात दिखाकर अकल नहीं दिखानी चाहिए। फिलहाल आज के राजनीति जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन लोगों ने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, अनवर करीम खान, मोहम्मद सकीर हुसैन, अजीत पुरस, रविंद्र कुमार और श्वेता रॉय। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, राजनीतिक पार्टियों को अपनी जमीनी स्तर को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।